राजधानी रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक तिरंगा लहराने के लिए सीएम पहले उनको आवास दें। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राशि देने के बाद भी राज्य सरकार ने गरीबों का शोषण किया है और गरीब लोगों को मकान से वंचित किया है। आवास योजना को लेकर के अभी लोग झंडा लेकर के घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें आवास दे तो हम अपने घर में तिरंगा लहराएंगे। वास्तविक में कितना हास्यास्पद स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि केंद्र सरकार के राशि देने के बाद राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दे पाई और गरीबों को जो घर मिलना था उनका शोषण किया गया और आज बिना घर के वो गरीब है।